ऐसे भी आज बारिश का 70% चांस था, हमारा सब काम खत्म हो जाए उसके बाद बारिश आना, अभी मत आना। बारिश होने ही वाला है लगता है, और जब वेदर रिपोर्ट चेक करना चाहिए तभी नहीं करते नहीं। इसलिए तो वैसा कैंपिंग में पूरा साइक्लोन जैसा आया। हो वो भी एक एक्सपीरियंस है अनोखा टाइप का। नमस्ते नमस्कार जय जगन्नाथ, मैं श्रीकांत माननी आयुष्मान आपको स्वागत करते हैं लाइव टू एक्सप्लोर में। फिर से कैंपिंग ट्रिप, और ये वाला जो कैंपिंग है ना, कैंपिंग ट्रिप है, जिधर हम कैंपिंग करने वाले हैं उधर तक तो हमारा गाड़ी भी नहीं पहुंचेगी, हमको फोर वे फोर व्हीकल में जाना पड़ेगा जंगल के अंदर। तो ये ऑर्गेनाइज्ड कैंपिंग है और हम खुद ही कैंपिंग नहीं कर रहे जैसे कि लास्ट टाइम किए, तो ये थोड़ा अलग एक्सपीरियंस रहेगा जंगल के अंदर, और थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एक्टिविटी भी है। पता नहीं ट्रैकिंग कर पाए नहीं, मौसम तो बहुत ही ज्यादा खराब है। अभी 3-4 दिन से तो लगातार बारिश हो रहा है। लास्ट टाइम तो कैंपिंग तूफान में किए थे हम। वो तो आप लोगों ने देखा रहेगा शायद लास्ट जो दो एपिसोड ना, वो मतलब एकदम सा डिफरेंट एक्सपीरियंस, थोड़ा सा डरावना भी था लेकिन हमने एंजॉय ज्यादा किया क्योंकि हमारे पास वो कार था, कैंपर वैन था, नहीं तो हालत एकदम खराब। टेंट तो वैसे ही उड़ने वाला था। चलो वैसे टाइम हो रहा है 6:00 ऑलमोस्ट, तो 270 किलोमीटर हमको कवर करना है, तो लेट्स स्टार्ट। चल भाई चल, आयुष्मान को थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है ना, तो थोड़ा इनएक्टिव जैसा लगता है, फिर एक्टिव हो जाएगा थोड़ा ही टाइम में। क्लॉक हो गया तो ब्रेकफास्ट भी कर ही लेते हैं, और हमको कितना डिस्टेंस हमने 50 कवर किया, 218 किलोमीटर अभी भी बाकी है। और मैसूर रोड तो वैसे थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहता है सुबह सुबह, बट इतना भी नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद कंटिन्यू करते हैं। काफी जल्दी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, आज 7 बजे ही ब्रेकफास्ट कर लिया। एक्चुअली ना खाना हम बना सकते हैं लेकिन लोकेशन भी ऐसा होना चाहिए इंटरेस्टिंग वाला। वैसे हमारा लंच के लिए तो प्लान है बनाने के लिए, लेकिन हाँ डिपेंड्स, क्योंकि ऐसा किधर भी रुक के तो नहीं बना सकते, और सीनिक टाइप थोड़ा मजेदार लोकेशन होना चाहिए तभी मजा आता है। ये भी मैसूर रोड पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ, नहीं इधर तो चांस ही नहीं है, पहाड़ी टाइप जगह दिखता है तभी मजा आता है खाना बनाने के लिए। रुकने का भी बहाना मिल जाता है। तो चलो लेट्स कंटिन्यू फुल ड्राइव फोकस पे, फुल फोकस ड्राइव पे। सोके उठ गया, कितने घंटे सोया आयुष्मान? 1-2 घंटा। हाँ 2 आवर्स सोया रहेगा ना, काफी टाइम से सोया हुआ था। वैसे हम एंट्री कर गए, ऑलमोस्ट कुर्ग पहुंचने वाले हैं, 20 किलोमीटर बाकी है, जंगल एरिया शुरू हो गया, फॉरेस्ट एरिया। डाउट है हम तो मतलब आज खाना बना पाएंगे कि नहीं, कोई जगह वैसे तो दिख नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा होता है। जब जगह दिखा तब टाइम नहीं हुआ था। हाँ
मतलब 10:30 को अच्छा वाला जगह दिखा था, मस्त वाला, लेकिन यार तभी तो खाना खा के ही आए थे, मतलब इतना भूख लग ही नहीं रहा था। हम सोचे कि चलो आगे चलते हैं, लेकिन उसके बाद रिजर्व फॉरेस्ट एरिया आया तो इधर तो पार्किंग अलाउड नहीं है, बहुत जगह पे ऐसा बोर्ड है, तो एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा होता है, कैंपिंग का मजा लेंगे आज पूरा। फाइनली हमको एक जगह मिली गया। एक्चुअली ना मेन रोड से एक रास्ता जा रहा था टुवर्ड्स कॉफी स्टेट, और हमको पता था कि इधर भी होमस्टेस रहता है, 5-6 किलोमीटर जाओगे ना अंदर भी होमस्टेस है, और ये जगह क्योंकि मेन रोड से थोड़ा हटके है, 1-1.5 किलोमीटर हम अंदर आए तो कोई ट्रैफिक का मूवमेंट नहीं है, पूरा शांत सा माहौल है, चारों तरफ कॉफ़ी स्टेट है, तो सोचा हम इधर खाना बना लेते हैं। और खाना बनाने का मन आज ज़्यादा था क्योंकि मैं दिखाता हूँ उसका रीजन बता दो क्या बनाना है आज। आज बनेगा परवल। परवल, परवल ही बोलते हैं ना? हाँ, परवल ही बोलते हैं। ये वैसे हम बेंगलोर में ये तो मई और जून में ही मिलता है, और हाँ 2-3 महीने ही, सीजनल फ्रूट है ना, वेजिटेबल है सीजनल। एक्चुअली हमारा गांव में ना ये अभी फिलहाल ना 20 रुपए किलो में मिलता है और इधर 120, तो ये सीजन वाला वेजिटेबल है, तो सोचा आज यही बनाए। ये पता नहीं बहुत लोगों को पता रहेगा कि नहीं, आता है मतलब साल में दो तीन महीने तो मिलता ही मिलता है, इसलिए तो ज्यादा रेट है। हाँ चलो प्रिफर करते हैं इसका, काट के लेके आ गए तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इधर हमारा बर्तन वर्तन सब रहता है, तो प्रेशर कुकर में वैसे वही करेंगे। हाँ, राइस और चावल के साथ पोटैटो। ये जंगल का साउंड कैसा है ना, अभी बताओ कब से आ रहे हैं, कम से कम 10 किलोमीटर से आ रहे हैं ऐसा जंगल होके, लेकिन ये साउंड नहीं सुनाई देता है ट्रैफिक की वजह से, इसलिए ऐसा बीच अंदर पूरा कोई कॉफ़ी इस्टेट के अंदर होमस्टेस रहते ना उसका मज़ा अलग है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी कैंपिंग जो होगा ना कुछ ऐसे ही होने वाला है, पूरा अंदर जंगल के अंदर, मैं जैसा मतलब देखा वो चीज़ गूगल सैटेलाइट मैप से, बट बाकी अभी देखते हैं जाने के बाद। तेरा क्या होगा कालिया? क्या खा रहे तू? ए ए क्या ए ए मींस क्या ए लिखा है, ओ, ए लिखा है ऐसा बोल, ए वही स्टेटमेंट हमेशा आधा बोलता है ये। आज दोनों में बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, तो इसमें करी उसमें राइस फटाफट बनने के लिए। दो है तो इस्तेमाल करेंगे। राइस हो गया, राइस का दो आ गया, दो तीन आ गया, हो गया रहेगा ये, इसको ना थोड़ा फ्राई करके निकाल देते हैं तभी अच्छा लगेगा, जैसा बनाते हैं वैसे वैसे ही बनाएंगे एग्जैक्टली। वो परवल करी में ये मसाला डालेगा, ये थोड़ा क्लोजअप में दिखा देते हैं। ये वैसे भी घर से ही ग्राइंड करके लेके आ गई थी, इसमें पूरा अदरक लहसुन और दालचीनी इलायची वो स्टार अनस और लौंग, हाँ लौंग उसका पेस्ट है,
जीरा भी है इसमें, थोड़ा जीरा भी है और मिर्ची भी है। और ये पेस्ट प्याज और टमाटर, ये पेस्ट में पूरा करी बनता है, बहुत जबरदस्त टेस्ट। थोड़ा गरम मसाला वाला, क्योंकि नॉनवेज वाला काइंड ऑफ प्रिपरेशन है ये, टेस्ट भी वैसे ही मतलब एकदम जबरदस्त वाला रहता है। ये देखो, लास्ट टाइम हम विजिट किए थे कुर्ग, आप लोगों को दिखाया था कितना फूल खिल रहा था, अभी देखो छोटा छोटा कॉफी आना शुरू हुआ है। विंटर में ना बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि पूरा हर जगह आपको रेड रेड कलर का पूरा पके हुए कॉफी का जो बीन्स रहता है वो दिखने रहेंगे, तो मतलब एकदम रेड 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 कलर, बीच बीच में थोड़ा बहुत ग्रीन जो नहीं पके रहेंगे, तो एक बहुत ही बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन दिखता है, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन ना एकदम जबरदस्त। और ये टाइम ये लोग मिस किया, कॉफी फ्लावर फ्लावरिंग नहीं देख पाए हमको, लास्ट टाइम हमने देख लिया था, हाँ देख लिए थे, ये सीजन नहीं हुआ ये साल। कोई बात नहीं, अभी साल देखेंगे। विंटर में लेकिन आएंगे, वो रेड वाला जो कॉफी पकता है ना रेड कलर का, उसका अलग ही रहता है पूरा नजारा, वो भी हमने देखी। फिर से आप लोगों को दिखाएंगे जो इधर से, उनको तो पूरा वो लोगों को भी पता हाँ। है जो कॉफी स्टेट नहीं देखे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही मजेदार रहेगा वो चीज। मैं भी जब पहली बार ये साइड आया ना, साउथ साइड, और कॉफी स्टेट को देखा, कॉफी बीन्स को देखा, तभी मुझे भी लगा यार यही कॉफी रहता है क्या। मैं तो पहले ऐसे सुनने लगा शायद इसमें तो खुशबू नहीं आएगा, क्योंकि हमको पता नहीं था कि इसको बीज को ना ऐसा सुखाते हैं, निकालते हैं, उसके बाद रोस्टिंग होता है, इतना मुझे आइडिया नहीं था एक्चुअली। कभी सुना नहीं उसके बारे में, तो इसलिए आयुष्मान पास ऑन द वाटर, वो सब भेजता रहेगा अंदर से जो कुछ भी चाहिए। खुशबू से अभी से ही मतलब अंदाजा लग रहा है टेस्ट कैसा रहेगा, सिर्फ नमक बराबर होना चाहिए, नमक बराबर है तो बाकी सब बराबर। और घर वाला मसाला है ना, वो भी मसाला पेस्ट, तो उसका खुशबू तो जबरदस्त रहता है, सारे घर वाला ही यूज हुआ है इसमें, हाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट लेके मसाला पेस्ट पूरा होममेड। जिंजर गार्लिक को इधर क्रॉस कर लेते हैं, एक तो क्रॉस कर लेते हैं, नहीं तो एकदम बारीक से काट लेते हैं, क्योंकि उसका यार वो बाहर वाला पता नहीं क्यों वो जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने से कुछ तो मजा नहीं आता, वो थोड़ा सा विनेगर डाल लेते हैं ना, हाँ प्रिजर्वेटिव विनेगर के चक्कर में ना उसका जिंजर गार्लिक का एक्चुअल स्मेल छुप जाता है किधर, कभी कभार तो बनाना पड़ता है, हाँ क्या करें, मिलेगा तो नहीं क्या करेंगे। चलो ये फिर 10 मिनट में तो हो ही जाएगा, काफी जल्दी बन गया क्योंकि ये सब काट कूट के ऑलमोस्ट रेडी था। सुकून यार, सुकून सच में, ये जो साउंड ही काफी सुकून देता है। ऐसे भी आज बारिश का 70% चांस था, हमारा सब काम खत्म हो जाए उसके बाद बारिश आना, अभी मत आना। बारिश होने ही वाला है लगता है,
और जब वेदर रिपोर्ट चेक करना चाहिए तभी नहीं करते नहीं। इसलिए तो वैसा कैंपिंग में पूरा साइक्लोन जैसा है। तो वो भी एक एक्सपीरियंस है अनोखा टाइप का। बारिश होगा। आयुष्मान हंस रहा है, देखो उसको ना साइक्लोन के टाइम पे कुछ फर्क नहीं पड़ा क्या आयुष्मान? वो उठने वाला था टेंट से, वो टेंट से आ भी नहीं रहा था बुलाने से। मामा बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, वो पकड़ के रखा था टेंट को। बहुत ज्यादा अकेला होता तो प्रॉब्लम होता, भाई था ना साथ में इसलिए डर नहीं लगा क्या आयुष्मान? और कैंपर वैन का हमारा बेस्ट पार्ट रूम मस्त सा। आयुष्मान तो वैसे ऐसे भी हो जाता है उसको, ये डायरेक्शन में सोने से भी हो जाता है ना आयुष्मान तुझे? हमको तो ऐसा सोना पड़ेगा, ऐसा में नहीं होगा क्योंकि ये 4 फीट है। सो गया आयुष्मान, तू सो गया, तकिया बकिया डाल के सो ले, सोना है तो हैं? सो गया आयुष्मान, कॉफी स्टेट में सो गया। इधर कैंपिंग करना है क्या आयुष्मान? देखो इधर यस करता है, इधर नहीं कर सकता आयुष्मान, ये थोड़ा मतलब जिधर पूरा दूर दूर तक खुला रहता है ना, खुला मैदान जैसा, जैसे कि हम लेक में किए थे वैसे में मजा आता है, ये जगह पे थोड़ा थोड़ा सा डर लग सकता है। यस हाथी आएगा, वो आ भी जाता है, ये कॉमन है। हाँ कॉफी स्टेट में आता है क्योंकि ये जंगल से जुड़ा हुआ है एक्चुअली जगह। बाय बाय गुड नाइट। ओके गुड नाइट। खाना कौन खाएगा? तेरा बाप। बाप तो खाएगा ही खाएगा। हो गया तो ये, हाँ हाँ हो गया डन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या ही हो गया पूरा। ये पूरा हो गया, चलो खाने का मजा लेते हैं। अभी कोई कोई बोलते हैं ये कैंपर वैन नहीं है, कमेंट में ना बहुत थोड़ा बहुत दो चार जन का कमेंट में देखा। अभी देखो ये वैन है, इसमें हम कैंपिंग कर सकते हैं बहुत बार किया है, बहुत बार किया है। किचन सेटअप है, किचन का हमारा सेटअप रहता है, हमारा टॉयलेट नहीं है, वो भी टॉयलेट टेंट है, टॉयलेट टेंट है, वो भी टेम्पररी टॉयलेट इमरजेंसी के लिए, वो भी अरेंजमेंट है पूरा। ठीक है, हमने यूज भी किया है काफी बार, और बेड तो है ही, आप लोगों ने देखा तो। अभी उसको और क्या बोलेंगे, कैंपर वैन नहीं बोलेंगे, दूसरा नाम बोल दो यार, क्या फर्क पड़ता है, हम तो इंसान वर्ड्स डेफिनेशन मीनिंग के पीछे भागते रहते हैं, तो जो मन करे वो बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, कैंपर वैन है बस। ऐसा फील नहीं हो रहा है कि बाहर हम खाना बना के खा रहे हैं, टेस्ट भी एकदम, क्योंकि घर वाला मसाला है। हो गया हमारा लंच, अभी मेन इम्पोर्टेंट चीज ये जो हमारा ट्रास है, राइट प्लेट प्लेट जो कुछ भी है उसको ठीक से डिस्पोज करना है, इसलिए हमारे पास ट्रास बैग रहता है हमेशा, ऐसा किधर भी नहीं फेंकना है क्योंकि यही कर करके ना खूबसूरती बर्बाद होता है नेचर का। हाँ कहाँ है ट्रास बैग? आयुष्मान, आयुष्मान के पास, ठीक है निका? तो ये ट्रास बैग में सब कुछ हम डाल देंगे, फिर जिधर दिखेगा हमको डस्टबिन उधर डंप कर देंगे। चलो ऑल सेट, अभी सीधा निकलते हैं, इधर कैंप साइट के आसपास एक पार्किंग जगह है 1 किलोमीटर पहले, उधर हमको गाड़ी पार्क करना पड़ेगा, फिर उधर से हमारा ऑफ रोड वाला जर्नी शुरू होगा, और 1 किलोमीटर का 4x4 से जाना है। ओके लेट्स गो। हमने माडिकेरी टाउन हमने क्रॉस किया, अभी माडिकेरी जो कि कोडागु डिस्ट्रिक्ट का एक मेन टाउन है, और कूर्ग के लिए ना, कूर्ग डिस्ट्रिक्ट में मतलब कुछ भी चाहिए रहता है तो सब कुछ माडिकेरी टाउन में मिल जाता है, और जो कैंप साइट है वो कुछ 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है माडिकेरी टाउन से। तो
घुमावदार रोड पूरा, घाट रोड, घाट रोड होके आए ऊपर तक, अभी नीचे उतर रहे हैं घाट से। कोई भी माउंटेन हो यार, उसका नज़ारा तो अलग ही रहता है। जैसे ही सिटी छोड़ देते हैं, माउंटेन एरिया में आ जाते हैं, फीलिंग चेंज हो जाता है पूरा। राउंड एंड राउंड। आयुष्मान तो ठीक है ना, उल्टी नहीं आ रहा है? खाना थोड़ा सा पेट में फुल। अभी अभी खाया ना, पेट फुल है। नहीं, पेट फुल होगा तो प्रॉब्लम, पेट खाली होगा तो प्रॉब्लम। मीडियम स्टेज में रहना चाहिए। पहुंच गए फाइनली हमारा कैंप साइट पे। पीछे आपको कैंप दिख रहा है और थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो रहा होगा कि कैसा जगह पे ये कैंप है। ये कैंप साइट के बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, प्राइस कितना है, कौन सा लोकेशन पे है। सिर्फ ये वाला टेंट नहीं है, और भी बहुत सारे टेंट ऑप्शन हैं, पूरा डिटेल वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा। और आज तो मतलब एकदम नेचर वाला हमारा जर्नी था, और फिर से आए कुर्ग, पूरा कॉफी स्टेट के बीचों बीच हमने खाना बनाया। हमने टी स्टेट में बिरयानी बनाया था, इधर हम परवल की करी और राइस। आयुष्मान को अच्छा मिल जाता है। आयुष्मान तो वैसे सो जाता है, वैसे हेल्प कर रहा था पीछे से, सारे सामान पास कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग, क्योंकि हम इधर कैंपिंग करने वाले हैं ओवरनाइट। उसके बाद सुबह उठ के जाएंगे एक ट्रैक पे, पूरा पहाड़ पे। बहुत सारा मतलब एक्साइटिंग कंटेंट आने वाला है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। चलो थोड़ा प्रसन्न होते हैं, फिर जाएंगे इवनिंग को जंगल वॉक में।